जुबैर उमर साहब, इब्तदाई तौर पर इतलात ये आई कि खसूसी पार्लियामानी कमेटी जो है उसने मुसवदे को मंजूर कर लिया, फिर ये भी खबर आ गई कि विफाकी काबीना ने भी इसे मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी तरदीदें बाद में मंजर आम पे आई। आज ये भी कहा गया कि सेनेट से मंजूर करवा लिया जाएगा, लेकिन पेश करने की नौबत तक ना आई। क्या समझते हैं कि कल के दिन की जो बाज़गश सुनाई दे रही है कि इसे पेश किया जाएगा, मौलाना का किरदार क्या रहेगा सर उसमें? एक ओवरऑल एक चीज जो सामने नजर आती है, आपने खुद कहा कि काबीना ने भी कमेटी ने पहले पास कर दिया, फिर काबीना ने पास कर दिया और फिर ऐसे ही एक्सपेक्टेड था कि सेनेट में पेश होगा और वहां से पास हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो असेसमेंट है सब लोगों की वो यही है कि सेनेट में नंबर्स पूरे नहीं थे हुकूमत के पास, और खासतौर पर JUIF के हवाले से, और उनकी नाराजगी भी हमने देखा पिछले 24 घंटे में खुल के सामने आई है। मुर्तजा साहब जो उनके लीगल एडवाइजर हैं मौलाना साहब के, उन्होंने जो सेनेट में स्पीच की, हैदरी साहब ने स्पीच की आज, तो उससे और कल मौलाना साहब ने नाराजगी शो की और बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, बदमाशी का लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि नॉर्मली नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। बट रिफ्लेक्ट करता है कि उनका और जो उनके JUIF के मेंबरान बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उनको ड्रायर धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि ताकि वो वोट डालें, और इस तरह से वोट वो शायद हो सकता है मुश्किल में आके डाल भी दें, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया, और सेनेट में हमेशा से ये था कि सेनेट में शायद मुश्किल ज्यादा होगी नेशनल असेंबली के मुकाबले में हुकूमत को पास करवाने, इसलिए वो सेनेट में पहले लेके जा रहे थे और सेनेट से करवाना चाह रहे थे। तो इम्प्लीकेशन तो इसकी बहुत फार रीचिंग होंगी, इतना मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को कितना ठेस पहुंचेगा उस सब के सामने है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, हुकूमत के ताबे होगी। ठीक है, जो तरीकेकार बताया जा रहा है अपॉइंट करने का वो तो बिल्कुल क्लियर है कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस के पर तमाम जजेस जो हैं जो लगाए जाएंगे वो हुकूमत की मर्जी के होंगे, क्योंकि जो टोटल वो कमेटी होगी जिसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और वो सारे लोग शामिल हैं, वो तो हुकूमत ही की ज्यादा फेवर में है नंबर्स। तो ये तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर और जो एक किसी जिसको भी लगाएंगे वो जाके उधर किसी जज के खिलाफ वोट डाल देगा। तो बहुत इसके पार इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पाकिस्तान की पास हिस्ट्री जो है वो इतनी खराब है जुडिशियल डिसीजंस के हवाले से, इसको मजीद खराब करेगी। जुबैर साहब, एक बड़ा शोर बचा हुआ है कि मसवदा जो है वो तब्दील कर दिया गया है, जो मसवदा मौलाना साहब को दिया गया था, दिखाया गया था, अब वो मसवदा नहीं है, और इसका इजहार भी जो है मौलाना की जमात के लोग कर चुके हैं, क्या कोई ऐसी इतला है? पता है जी, ये तो जाहिर सी बात है, हम मैं और आप तो यहाँ से बैठ के एक असेसमेंट ही कर सकते हैं जब तक JUIF वाले खुद आके ये नहीं कहेंगे जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जी जो ग्रीटिंग हुआ था जाति उमराह में या कल जो भी बातचीत हुई थी, लेकिन एक चीज है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो जाति उमराह में सब अच्छा ऐसे लग रहा था, उससे एक दिन पहले बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब की मुलाकात हुई, उसमें भी ऐसी था रीएग्रीमेंट हो गया, लेकिन कल से फिर एक इतला जो आनी शुरू हुई थी उससे और आज भी उससे तो ऐसे ही महसूस होता है कि JUIF अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है कम्प्लीटली। जो भी अब जो तय पाया है और जो काबीना ने अप्रूव किया है, जो कमेटी ने अप्रूव किया है, तो लेट्स होप कि इसमें JUIF उनका साथ ना दे। मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह सकता हूँ कि अगर ये बिल ना पास हो सके तो पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि 25 से पहले इतनी उजलत क्यों दिखाई देती है? जहाँ तक वजाहत काजी फायज ईसा साहब के हवाले से आ चुकी है कि वो तो जाएंगे ही, लेकिन आपको ये लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के को रोकने के लिए ये सारी इतनी उजलत हो रही? जी, सिर्फ उनको रोकने के लिए, एक्चुअली इसकी बॉटम लाइन जो है ना, इसका तमाम जो मकसद है, हालांकि यही जो अमेंडमेंट्स हैं आज से एक महीने के बाद होती या दो महीने के बाद होती, जस्टिस मंसूर अली शाह पुराने जो कानून के तहत चीफ जस्टिस बन चुके होते, तो लोगों के लिए हुकूमत की नीयत पर कोई शक ना करता,
और सब ये समझते हैं कि जेन्युइनली जुडिशियल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो उजलत है कि 25 से पहले सब कुछ होने, अब 25 से पहले जाहिर सी बात है 24 तारीख उनकी लास्ट डेट है फाइज इज्जत साहब की, और द फैक्ट कि जी उसमें एक हफ्ता रहता है और बावजूद उसके नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ मंसूर अली शाह का, और अगर आप हुकूमत के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि आज के कानून के हिसाब से तो मंसूर अली शाह ने पढ़ना है, यानी कि कानून चेंज हो रहा है तो उसमें मंसूर अली शाह को चाहते हैं कि वो ना बने, और वो इसलिए चाहते हैं कि वो ना बने, आज की जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस ने दोबारा वजाहत दी है मखसूस नशस्तों के हवाले से, उससे भी जाहिर है कि जी वो एक तरफ चल रहे हैं वो 8 जजेस जिसमें मंसूर अली शाह साहब सबसे आगे हैं, मुनीब अख्तर हैं और दूसरे जजेस हैं अथर मनीला वगैरह हैं, और हुकूमत जो है बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पर चलती है। इलेक्शन कमीशन पर दोनों तरफ से दबाव आ रहा है, जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से और बेसिक नॉर्म्स के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को वो फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए और नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए जो 8 जजेस ने फैसला दिया, लेकिन वो उन्होंने पिछले 3 महीने से दे हैव रिफ्यूज्ड टू इंप्लीमेंट दैट। तो जाहिर सी बात है उनको ये डर है कि जी अगर मंसूर अली शाह आ जाते हैं चीफ जस्टिस और जो उनके हम ख्याल जजेस हैं जिनकी थिंकिंग सबके सामने है, तो वो ना सिर्फ ये 8 ये मखसूस नशस्तों के हवाले से अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवाएंगे, बट वो फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सी चीजें खुलेंगी जिसका जाहिर है कंसर्न रूलिंग पार्टी के मेंबरान करते रहे हैं कि अगर वो आगे तो उधर सब कुछ उलट जाएगा, उसका तो मतलब ये होगा कि ट्रिब्यूनल अगर फैसला करना शुरू कर दें कि जी फॉर्म कौन कौन जीता था और कौन कौन हारा था, तो अभी जो मेजोरिटी है वो मिनोरिटी में तब्दील हो जाएगी, ये तो ज़ाहिर बात है एक्सेप्टेबल ही नहीं। अगर हम वहां से शुरू करें कि वो बेसिक रीजन है तो उससे हमें पता चलता है कि सब कुछ 24 से पहले होना है, यानी कि चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जो मंसूर अली शाह नहीं होंगे, तो आज और कल अगर अमेंडमेंट पास होती है फिर वो कमेटी बनेगी जो रिकमेंड करेगी प्राइम मिनिस्टर को कि जी अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ जो अभी ड्राफ्ट में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एक नए चीफ जस्टिस का तयन कर देंगे, वो एक्स वाई जेड जो भी होंगे, और वो होंगे जाहिर सी बात है जो मंसूर अली शाह की थिंकिंग नहीं रखते, उन 8 जजेस में से नहीं होंगे वो, तो बड़ा क्लियर है वो तो जाहिर है हुकूमत विल गो एवरी एक्सटेंट टू इंश्योर के मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने। अच्छा भाई साहब, आपने कहा कि इस कौम के लिए मुल्क के लिए बेहतर यह है कि ये तरमीम ना हो, अगर ये तरमीम हो जाती है तो आप सियासी हालात कैसे देखते हैं? देखें मुझे नहीं पता कि लॉयर्स किस किस्म का स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करेंगे, लेकिन एक पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी है, एक तो अर्बन एजुकेटेड पाकिस्तानी है, उनको मायूसी होगी, शदीद मायूसी होगी कि अब इंसाफ हमें कहीं से भी नहीं, और इसी तरह से जो लीगल कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, जिसने बार बार एक्सप्रेस किया है कि जी ये नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये मायूसी फैलाएंगी कि आपने इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद एक ऐसा कानून लेके आ रहे हैं और उस मुल्क में लेके आ रहे हैं जिसकी तारीख इतनी खराब है, जिसमें एग्जेक्टिव ने हमेशा जोर जबरदस्ती करके डरा के धमका के जुडिशरी को अपने फैसले करवाए हैं। अब अगर आप तो कानून भी ये होगा कि जी मैंने तो लगाया ही आपको है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, जब हाई कोर्ट के जजेस तक को पता होगा कि जी मेरी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो एग्जेक्टिव ने करनी, जैसे ब्यूरोक्रेट डिपेंड होता है, डिपेंड करता है एग्जेक्टिव पर फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, प्रमोशन एंड ट्रांसफर एंड एवरीथिंग, उसी तरह से आप जुडिशरी को बना देंगे, तो उसका रिएक्शन हो सकता है, कितना शदीद रिएक्शन होगा, कितनी जल्दी रिएक्शन होगा, लेकिन होगा तो सही, ये तो नहीं हो सकता कि जी रिएक्शन ही ना हो सकता है अगले 2-3 महीने हुकूमत समझे सब सही है, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल जब वो एक एंगर रिफ्लेक्ट होकर सामने आएगा तो वो भरपूर रिएक्शन होगा, और मेरा ख्याल है उसमें से कंट्रोल करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा जुबैर साहब, इस सिफारिश को आप किस नज़र से देखते हैं कि जिसमें 184(3) के तहत वो जो सू मोटो का इख्तियार कभी चीफ जस्टिस के पास होता था वो फिर खुसूसी जजेस कमेटी को दे दिया गया, अब बात हो रही है कि वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आईनी बेंच के पास होगा, तो अगर वो आईनी बेंच के पास चला जाएगा तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? उसका बहुत, देखे ना आईनी बेंच, एक तो ये बेंच विद इन अ बेंच एक बनाया जा रहा है, ये एक सुप्रीम कोर्ट है,
और वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इख्तियारात जो है वो बिल्कुल कमजोर होंगे कंपेयर टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि बनाया जा रहा है जो हुकूमत ही नॉमिनेट करेगी, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे और उनके पास उसका सुमतों का इख्तियार होगा तो चीफ जस्टिस बैठ के क्या करेगा? चीफ जस्टिस का तो इसका मतलब पावरलेस होगा, उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं होगा। बाकी सारे जजेस उसके ताबे होंगे तो वो क्या करेंगे? जमीनों के केस करेंगे, झगड़े जो लोगों के हैं उसके फैसले करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो बड़े केसेस हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के अवाम का कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान के अवाम का क्यों नहीं है ताल्लुक मखसूस नशस्तों के हवाले से, उनके क्यों नहीं है ताल्लुक के जी आप 2024 के इलेक्शन जो हुए थे वो सही हुए थे गलत हुए? पाकिस्तान के अवाम का तो वो मैंडेट छीना गया है, पाकिस्तान के अवाम को तो उससे डायरेक्टली इंटरेस्ट है कि कौन से जजेस बैठे हैं जो ये फैसला करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो जजेस बैठे हैं जिनका हमें पहले से पता है कि उन्होंने वही करना है जो हुकूमत वक्त चाहेगी, क्योंकि हमें तो लगाया ही हुकूमत वक्त ने, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमें बनाया वो तो बनाया ही हुकूमत वक्त ने, तो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे वो फैसला कैसे करेंगे? सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कर ही नहीं सकते, तो ये मायूसी की बात होगी।